दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्यों बोलता हूं कि जो भी लोन का एजेंट है वो चवन्नी चाप है। आज जो है आप लोगों को लाइव प्रूफ देने वाला हूं कि किस तरीके से जो है वो लोग खुद ही प्रमाण कर रहे हैं, खुद ही जो है प्रूफ दे रहे हैं कि वो लोग जो है चवन्नी चाप है। तो आप लोगों को मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि भाई डरिए मत, क्यों डर रहे हो, बेकार में डर रहे हो आप लोग, ये लोग कुछ करता ही नहीं है। तो आज जो है आप लोगों को एक लाइव प्रूफ दे रहा हूँ, एक ऑडियो क्लिप जो है मुझे मिला है, मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने भेजा है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग सुन के जो है खुद ब खुद ही जो है डिसाइड कर सको कि ये जो है चवन्नी चाप है या फिर नहीं है। जिसके वजह से आप लोग डरते हो, ये लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, ये बोलते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, कभी बोलते हैं मैं CBI से बोल रहा हूँ, कभी बोल रहे हैं मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को सारा जो है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये ऑडियो क्लिप जो है आप लोग पहले सुनो। हेलो, बोलो। लखिंदर सिंह बात कर रहे हो क्या? कौन हो? लखिंदर सिंह जी, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, जयपुर से। अच्छा, आवाज आ रहा है मेरा आपको? हाँ। लखिंदर सिंह जी, मैंने एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कॉल किया था। भाई, आपके नाम का कंप्लेंट आया मेरे पास। अच्छा, 128-420 रुपये एक धोखाधड़ी का एक बाउंस चेकिंग का मामला दर्ज हुआ है आपके नाम पर। अच्छा भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये कोई एडवोकेट है? एडवोकेट अजय जी, आप जानते हो ना? चेक बाउंस केस आया था इसको दिया है मैंने। क्या? अरे चेक किसको दिया है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, तुम्हें बात कर रहा हूँ मैं आपको। हाँ तो चेक किसको दिया है कुछ तो बताओ ना। आप पूरा मामला बता रहा हूँ मैं आपसे, पहले पूछना चाह रहा हूँ आपके एडवोकेट है अजय जी, आप जानते हो कि नहीं? नहीं जानता मैं उसको। किसने करवाया आपके नाम पर केस दर्ज? आप मेरी बात नहीं, आपने कोई लोन वोन फाइनेंस करवा रहे हैं? अच्छा, कौन सा लोन है वो? ये मर्चेंट से भारत पे से लोन फाइनेंस करवा रहे आपने 25,000 का? हाँ है। तो इसका अमाउंट वमाउंट जमा नहीं करवा रहे आप? हाँ तो इसको चेक थोड़ी दी है। नहीं, चेक नहीं दिया, लेकिन अमाउंट जमा नहीं करवा रहे। क्या बोला? 138 की धारा लगी हुई है चेक बाउंस की। हाँ तो 138 धारा, आज उसमें चेक बाउंस का लगता है मामला। किसने बोला चेक बाउंस का मामला लग रहा है? हाँ तो ये कितने बाउंस होगी ना आपकी, ये चेक बाउंस बोलते हैं? चेक बाउंस क्या होता है भाई? सर चेक बाउंस अलग चीज है। बस सर चेक बाउंस ये इसमें आता है, ये धारा में लगता है। ठीक है, इस धारा में लगता है जहाँ तो आप जानकारी दीजिए ना। मैंने जानकारी ले ली है पूरी, मेरे पास पूरी जानकारी आई है, और आपसे मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ सीधी तरीके से, भाई आप ये बताइए ये मामला क्या हो रहा है, भाई अमाउंट क्यों जमा नहीं हो रहा, भाई आपको कैसा खाना है कि कंपनी का? ये वो केस जा रहा है ना, केस आ गया आपके पास आ गया, आप क्या कर रहे हो चीज का? नहीं वो तो ना मेरे साथ नहीं, आप क्या करना चाहते हैं इसको ये बताओ पहले। वो तो मैं कार्रवाई करवाऊंगा जो होगा, आपको दिक्कत हाँ, आएगा वो तो। कोई दिक्कत नहीं, आप कार्रवाई कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपकी मर्जी, जैसे कार्रवाई होगी तो आप चप्पल किसके अगर अपने कोर्ट में आना। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से ऑडियो क्लिप सुनने को मिला, वहाँ पे जो है कस्टमर ने चार्ज किया उल्टा, जो भी सब्सक्राइबर दोस्त है ना उसने चार्ज कर दिया, उल्टा चार्ज कर दिया कंपनी के, जो भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बोल रहा था वो बोल रहा है कि 138 के निगोशिएबल एक्ट का जो है चार्ज लगेगा। सही बात बोला है कस्टमर ने कि भाई मैंने चेक कहाँ दिया तुमको, चेक दिया ही नहीं तो तुम इस तरीके का 138 कहाँ से लगाओगे। तो ये जो है चवन्नी चाप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में इतना भी नहीं है कि ये जो 138 है क्यों लगता है, और अगर ECS बाउंस होता है तो कौन सा धारा लगता है। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको पता है, इतना पूरा डिटेल वाइज हमने पता किया है, 138 का निगोशिएबल एक्ट लगने वाला है। तो भाई 138 लगेगा तो इसको यही बोलना था कि भाई ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ और तुम यहाँ पे कोर्ट में जाके केस कर दो 138 का, फिर मैं देखता हूँ कि कंपनी किस तरीके से 138 का केस लगाता है। फॉल्स केस, चेक तो दिया ही नहीं भाई, फॉल्स केस ही तो होगा ना उसमें। और लास्ट में क्या सुनने को मिला कि मतलब इस तरीके से वो लोग दिखा रहे कि भाई मैं सच में जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हूँ, चलो इसके घर पे जो है दो कांस्टेबल भेज दो, ये भेज दो। तो दोस्तों ये सब जो है ट्रिक है उन लोगों का, चवन्नी छाप जो ही यही लोग करते हैं, कंपनी का जो लोग है सारा जो है चवन्नी छाप ही बैठा हुआ है। और आप लोगों को जो है मतलब सोचते हैं कि भाई ये लोग जो है मूर्ख है, कुछ समझता नहीं है, इन लोगों को जो है कुछ भी समझाऊंगा और आप लोग जो है डर जाओगे। तो ये लोग इसी तरीके से आप लोगों को टारगेट करते हैं, आप लोगों को इस तरीके से डराते हैं ताकि उन लोगों का पैसा जो है वापस मिले। वापस तो करना ही है, वो लोग जो है अपना काम कर रहे हैं वापस लेने के लिए, लेकिन जो है तरीका वो लोग अपना रहे हैं वो गलत है। ठीक है, इस तरीके का चीज़ें नहीं करना चाहिए, आप लोगों को इस तरीके का हैरेसमेंट कर रहे हैं जो कि वो टोटली जो है गलत चीज़ें कर रहे हैं। आप लोगों को टाइम चाहिए, आप लोग टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद आप लोग पेमेंट करिए, इस तरीके का फ़ोन कॉल्स ना उठाए। फ़ोन आता भी है तो आप लोग इस तरीके का चार्जेस भी कर सकते हैं उन लोगों को उल्टा। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जितना डरेंगे उतना ज़्यादा आपको डराएगा। ठीक है, जो भी भाई साहब ने उनको उल्टा चार्ज कर दिया उनको जो है पूरा हक्का बक्का गुल हो गया, लेकिन अगर आप डर जाओगे नहीं नहीं सर क्या हो गया, आप क्या करना है, मैं क्या करूँ, उसे प्लीज़ टाइम दीजिए, तो वो लोग समझाए कि भाई ये जो बंदा है ये डर रहा है, चलो भाई इसको ज़्यादा डराता हूँ। इन लोगों को मज़ा मिलता है ना ये सब चीज़ें करने से, क्योंकि इन लोगों को पावर दिया गया है भाई तुम लोगों को पैसा जो है लिया है, डराओ डराओ के धमकाओ, तो ये लोग थोड़ा सा मज़ा भी कर लेते हैं।
तो इन लोगों को डरना नहीं, इन लोगों से चवन्नी छाप है तो एक नंबर का चवन्नी छाप ही रहेगा। ये लोग, आप लोगों को डरना नहीं है, कोई भी लीगल डिपार्टमेंट नहीं होता है इन लोगों का, ये सब लीगल डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ इन लोगों का जो एजेंट है वो कभी लीगल डिपार्टमेंट बन जाता है, कोई पुलिस स्टेशन से पुलिस बन जाता है, कोई हायर अथॉरिटी से जज बन जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ये लोग करता रहता है, लेकिन आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपका अमित भाई आपके साथ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।